नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट आई है कि रेलवे RRB ALP टेक्नीशियन के दोस्तों रिजल्ट यहां पर कैंसिल हो चुका है। तो यहां पर ऐसे में क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसे लोग भी पास होंगे जिन दोस्तों जो लोग पास हो चुके हैं, क्या उनका रिजल्ट भी दोबारा आएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, उनका रिजल्ट भी दोबारा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोट आप लोग का नोटिस जारी किया गया। आइए बात करते हैं इससे पहले नोटिस की। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करते रहिए, ताकि आप सभी आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के दोस्तों कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल नोटिफिकेशन की ओर, लेकर चलते हैं आप लोगों को। आइए देखते हैं क्या है इसमें आया है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज CBTs विद द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन सेकेंड स्टेज CBT हैज़ बिन पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRBs ऑन 2 नवंबर 2018 इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। RRBs हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड फैकल्टी टू कैंडिडेट्स फॉर व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर की। यानी कि दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पर कि द्वितीय चरण CBT में दोस्तों उपस्थित होने के लिए जो अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट के साथ फर्स्ट स्टेज के CBT के परिणाम, जो कि दोस्तों 2/11/2018 को यहाँ पर RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दोस्तों पब्लिश किए गए थे, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यहाँ पर RRB ने अपनी आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए उम्मीदवारों को सुविधा भी प्रदान की थी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगला देखिए आगे क्या लिखा है कि RRB के कुछ सवाल जवाब में जो दोस्तों आंसर किया है उस पर अनुवादों पर मुद्दे उठाए गए, यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो यहाँ से कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए। जवाब में यहाँ पर RRB ने भी इस तरह के सभी मुद्दों को जांचने का फिलहाल यहां पर फैसला किया है, ओके। और यहां पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि समीक्षा के बाद जो भी मुद्दे ऑब्जेक्शन उठाए गए उसके बाद यहां पर संशोधित स्कोर के साथ यहां पर फाइनल आंसर की दोस्तों प्रकाशित की जाएगी, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की संशोधित सूची सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए RRB की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो जो दोस्तों आप लोग का यहां पर CR 2/2018 या फिर अकादमिक परीक्षाओं के लिए CBT के 7 तारीखों के यहाँ पर RRB के दूसरे चरण जो कि CBT सेकंड का स्थगन का अनुरोध करने का प्रस्ताव भी पास किया गया, यानी कि दोस्तों सेकंड स्टेज के CBT को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। और यह सब देखते हुए 12 दिसंबर से पहले निर्धारित जो कि आप लोग का सेकेंड CBT जो था वो स्थगित कर दिया गया है, और अब वो होगा दोस्तों 24 दिसंबर 2018 से। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ लिखी है कि जो आप लोग का होना था 12 से पहले वो दोस्तों आप लोग का होगा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है 24 दिसंबर 2018 से होगा, लेकिन यहाँ पर भी डेट कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर 1 या 2 दिन का दोस्तों अंतर हो सकता है, ओके। तो RRB ने दोस्तों इस बात को दोहराते हुए कहा है कि भाई अपने उम्मीदवारों को इनपुट फीडबैक को महत्व देते हैं और सभी यहाँ पर इनपुट्स के लिए गतिशील प्रक्रिया देते हैं। तो RRB ने सभी उम्मीदवारों के लिए RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदान की गई जानकारी अपडेट का पालन करने का अनुरोध करते कहा कि किसी भी झूठी और औपचारिक जानकारी का शिकार नहीं करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आई होप आप यहां पर दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे, फिलहाल जिनका भी यहां पर रिजल्ट में 1 या 2 या 0.5 0.4 नंबर से जिनका भी दोस्तों यहां पर सिलेक्शन यहां पर जो पास नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि आपका जब आंसर की सही आएगी तो उनका सिलेक्शन दोस्तों यहां पर हो सकता है, उनका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, ओके। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर समझने में कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो फिलहाल नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल ये था एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।